सर जो जामखेड़ में ग्राम पंचायत के इलेक्शन हो रहे हैं और आप सरपंच पद के लिए खड़े हुए हैं, तो आपकी निशानी क्या है और आपके जो आप सरपंच के लिए खड़े हुए हैं तो आपकी यहाँ समस्या क्या है उस बारे में दर्शकों को बताइए। मैं एडवोकेट रतन उत्तम रतारडे, मैं जामखेड़ के ग्राम पंचायत इलेक्शन में अभी खड़ा हूँ। मेरी निशानी छत का पंख है। मेरे साथ 17 उम्मीदवार मेरे साथ खड़े हैं। मैं 18वां, हमारी ग्राम पंचायत जो है इसमें से अभी गए 5 साल में कौन सा भी काम यहाँ पे नहीं हुआ है। जहाँ पे रस्य देखा जाए, शिक्षण देखा जाए, आरोग्य देखा जाए, कौन से विभाग में कौन सा ही काम अभी तक यहाँ पे हुआ नहीं। मैं जिस ये उम्मीद लेके मैं यहाँ पे खड़ा हूँ कि ये पूरी उम्मीद जो नागरिकों की समस्या है वो पूरी छोड़ने के काम मैं हमारे टीम के साथ करने वाला हूँ। मैं ये अभी ये इलेक्शन चुनने समझो मेरे को चुन के दिया लोगों ने, तो मैं 100% ये सब समस्या जो है मैं छोड़ूंगा। सर आप सरपंच पद के लिए खड़े हुए हैं और अभी आपने बताया कि गांव में 5 सालों से कुछ काम नहीं हुआ, तो आप चुन के आते हैं तो गांव में जो समस्या होती है, समाज मंदिर है, शादी खाना है, स्कूल है, तो आप सबसे पहले कौन सी समस्या का हल निकालेंगे? सर सबसे पहले तो मैं रोड, रस्ते, पानी, ये समाज मंदिर तो होने, समाज मंदिर तो जो समाज वाले लोग है वो तो करेंगे, लेकिन जो समस्या लोगों की जो है, रास्ता है, पानी है, नाली है, शिक्षण है, इस पर पहले मैं जोर दूंगा। आपके कितने उम्मीदवार खड़े हैं सर? 17 उम्मीदवार खड़े हैं कुल मिला के, 17 में 18वां। अच्छा, तो उसमें कौन कौन से है? ओबीसी है, ओबीसी है, अल्पसंख्यक है, एससी है, ओपन कास्ट के है, महिला उम्मीदवार है, और हमने शिवसेना, राष्ट्रवादी कांग्रेस और कांग्रेस महाविकास आघाड़ी बना के हमने ये पैनल तैयार किया है। आपके पैनल की निशानी एक ही है? नहीं नहीं, मेरे कुल मिला के चार चिन्ह है, उसमें सरपंच पद के लिए छता चपंखा और जो दूसरे तीन चिन्ह है ऑटो रिक्शा, छतरी और बैलगाड़ी, ऐसी निशानियाँ हैं। सर आप जनता को क्या आह्वान करेंगे कि आपको जामखेड़ की जनता ज़्यादा से ज़्यादा वोटिंग आपके पैनल के हक में करेगी? मैंने पहले इससे पहले आपको बोला कि मैं जो जामखेड़ के जो करीबे जो होना चाहिए कि वो विकास की दृष्टि में वो पूरे की पूरे जो समस्या है लोगों की वो पूरी ईमानदारी से छोड़ने के काम मैं ये जनता को करने को मैं आह्वान करता हूँ कि उनको जो भी समस्या है जामखेड़ के अंदर, रस्ते है, पानी है, और लोगों की और महिलाओं की कुछ समस्या है जहाँ पे शुश्रूषा अपने बोलते हैं ये होना ज़रूरी है, ये सब छोड़ने के काम मैं करने की कोशिश करूँगा।